नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चौरासी प्रतिशत लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़े। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। फ्रांस से आया 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 84% लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़े। महाराष्ट्र में जारी लॉकडाउन को लेकर 84% लोगों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 31 मई तक बढ़ा देनी चाहिए। महाराष्ट्र में फिलहाल 15 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए ई पास लेना जरूरी किए जाने समेत कई पाबंदियां लगाई हुई है। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने महाराष्ट्र के 30 जिलों के 18,000 से ज्यादा लोगों से ऑनलाइन संपर्क कर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। 5 मई से 9 मई तक किए गए सर्वे से 66% पुरुष और 34% महिलाओं ने हिस्सा लिया। लोकल सर्कल के सचिन तपारिया ने बताया कि सर्वे के 2 मुख्य पॉइंट्स थे। इनमें लॉकडाउन की अवधि और इस दौरान होम डिलीवरी मॉडल अपनाए जाने को लेकर सवाल किए गए थे। 84% लोगों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 31 मई तक बढ़ाने की बात कही। इनमें से 40% ने ये भी कहा कि सभी दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। 14% लोगों की राय है कि 15 मई को ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को खत्म कर सभी स्टोर पर बिजनेस संस्थानों को पहले की तरह खोल दिया जाना चाहिए, जबकि 2% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोई राय नहीं दी। 70% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान होम डिलीवरी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। 29% लोगों ने कहा कि इसे अपनाने में कोरोना को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं होगा, हो सकता है कि कहीं चूक हो जाए। तो वही दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़े। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीबीआई पहले से कर रही है। पिछले महीने देशमुख के 11 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की थी और कई सबूत जमा किए थे। इनमें कुछ हार्ड डिस्क और अन्य कागजात शामिल है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने इस सबूतों को ईडी में शेयर किया था और इसी के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर फ्रांस से आया 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। सोमवार को इंडियन नेवी का जहाज त्रिखंड कतर से 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत देश के 3 बंदरगाहों पर नेवी के जहाज मित्र देशों से ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर और मेडिकल उपकरण लेकर लौट रहे हैं। इनमें मुंबई, कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह शामिल है। नेवी की ओर से बताया गया, मुंबई में पहुंची खेप महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए फ्रांस के मिशन ऑक्सीजन सॉलिडारिटी ब्रिज के तहत आई है। यह पहली बार है जब फ्रेंच एयर लिक्विड ड्रमोक कतोर के अहम बंदरगाह से भारत लाया गया है। यह जहाज 5 मई 2021 को कतर पहुंचा और 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर 10 मई 2021 को मुंबई लौटा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।